जिन्नात और इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कानून जजा व सजा रखा है, जन्नत और जहन्नम रखी है। कायनात की दूसरी मखलूकात के लिए जन्नत जहन्नम नहीं है, कायनात की दूसरी मखलूकात के लिए कानून जजा व सजा नहीं है, ये तो सिर्फ जिन्नात और इंसान के लिए है। कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो हजरात याद रहे, हम और आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं अल्लाह की बंदगी करें, रब की बंदगी करें, रब के बताए हुए तरीक़े पर चलें, अल्लाह की आसमान से नाजिल शुदा तालीमात को अपनाएं, पैगंबरों के ज़रिए से जो शरीयत हम तक आई उस शरीयत को फॉलो करें। अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो सीरत की शक्ल में, हदीसों की शक्ल में, सुन्नतों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, उसको फॉलो करें। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन मकसद है। ज़िंदगी में सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हमारे तसव्वुर में यही मकसद होना चाहिए कि हमें पैदा किया गया है एक मकसद के लिए, वो है रब की बंदगी। हमारी जिंदगी के औकात इसके लिए गुजरने चाहिए। दूसरी चीजों में कमी हो जाए, कोताही हो जाए, गफलत हो जाए, कोई बात नहीं, मगर ये जो मकसद हयात है, मकसद जिंदगी है अल्लाह की बंदगी, इसमें किसी किस्म की गफलत, कोताही, कमी हरगिज हरगिज नहीं होनी चाहिए। और यहां मैं एक गलत फहमी का इजाला भी कर देना चाहता हूं कि जब हमको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है और इबादत ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो सवाल पैदा होता है कि अगर हम दिन रात के 24 घंटों का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि दिन रात के 24 घंटों में हमारे अक्सर औकात दुनिया के पीछे गुजरते हैं। सोने में कितने, 6 से 7 घंटे सोते हैं जी, बिजनेस में सुबह से शाम तक का बिजनेस और कारोबार में गुजरता है, नमाज में 5 टाइम जो हाजिरी हम दे दें अगर, कितनी कितना कितना वक्त लगेगा, 15 मिनट, आधा आधा घंटा भी रख लो ना एक एक नमाज के लिए, ढाई घंटा नमाज के लिए निकालते हैं हम। बाकी जो अवकात हैं हमारे, वो बिजनेस के पीछे, कारोबार के पीछे, बीवी बच्चों के साथ, अकारीब और रिश्तेदार के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी ये गलत रुख पे जा रही है? मैं यहां असल में एक नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो बाज़ लोग ये समझ बैठते हैं कि इबादत के लिए जब हम पैदा हुए हैं तो फिर बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं, बस इबादत करते रहो, इबादत करते रहो। सच है, इबादत ही असल मकसद है ज़िंदगी है। लेकिन मेरे भाई, वो काम जिन्हें हम दुनियावी काम कहते हैं, शरीयत ने उन कामों के भी आदाब बताए। कहा बिजनेस करो तो सच्चाई के साथ करो, दयानतदारी के साथ करो। कहा कि तुम अगर सोते हो, सोने के आदाब बताए, बावजूद सोने की कोशिश करो, दुआ पढ़ के सोया करो, दाहिनी करवट सोया करो। जागने के आदाब बताएं कि जैसे ही आंख खुले दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना वलैहि नुशूर। सफर करते हैं तो सफर के आदाब बताएं कि दौरान बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ के सफर शुरू करो, और दौरान सफर जब कभी नशेबो फराज से गुजर हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। यानी जिंदगी के जो काम जिसे हम दुनियावी काम समझते हैं, शरीयत ने उनके जो तौर तरीके और आदाब बताए हैं, याद रखना अगर हम इन कामों को शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो ये काम भी हमारे लिए अजर सवाब लूटने का और नेकी कमाने का जरिया बन जाएंगे। हमारी तिजारत बाई से अजर सवाब हो जाएगी, हमारा सोना बाई से अजर सवाब हो जाएगा, हमारा हर काम। बुखारी शरीफ में है, सही बुखारी में, हज़रत मुआज़ बिन जबल जब यमन गए, उनके और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह उनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई, उसमें हज़रत मुआज़ को ये कहते हुए हज़रत अबू मूसा अशअरी सुनते हैं कि हज़रत मुआज़ ने कहा, अहतसिबु फ़ी नौमती मा अहतसिबु फ़ी क़ौमती, मैं अपनी नींद को भी उसी तरह बाई से अजर व सवाब समझता हूँ जिस तरह रात में उठकर तहज्जुद पढ़ने को बाई से अजर व सवाब समझता हूँ। शरीयत के बताए हुए आदाब का लिहाज करके अगर हम सोएं, हमारा सोना बाई से अजर व सवाब। शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक कारोबार करें, बिजनेस करें, ये बिजनेस और कारोबार बाई से अजर व सवाब।